आप देख रहे हैं YouTube चैनल में नकी चांद। आज आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड किस तरह लोगों को अक्लमंद या बेवकूफ़ बना रही हैं। ज़रा ये कह रहे हैं, इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं, जिनमें से एक कंपनी मारूफ चाइनीज़ ब्रांड और पाकिस्तान में सबसे पहले एंट्री देने वाली कंपनियों में से एक ओप्पो, जिसके सर्विस सेंटर्स और दीगर मामलात दीगर इदारों की तरह धर्म भ्रम चल रहे हैं, और उन्होंने अपने परसेंटेज जो डीलर्स के लिए जाते थे उसमें भी कमी कर दी है। बिलखसूस साउथ के लिए एक अजीब कहानी यह है, ये मैं मुझे जो डीलर्स ने इत्तला दी है वो एक अजीब कहानी यह है कि LP जो होती है वो कंपनी देती है, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में नहीं होता, और ये तो वैसे भी डायरेक्ट डील करते हैं। इन्होंने साउथ डिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर देखा जाए तो साउथ जोन के लिए इन्होंने LP बंद कर दी है, जबकि पंजाब यानी सेंट्रल और दीगर उसमें इत्तला डीलर्स ये हमें पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जारी रखे हुए। इसी तरह मुख्तलिफ जो इनके मॉडल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका परसेंटेज जो है वो कमी और बढ़ती करके चल रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम अपने अखराजात इसको कवर कर रहे हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस इत्तला के बाद के सर्विस सेंटर्स जो है वो उसमें मोबाइल फ़ोन जो सार्फिन के होते हैं उसमें उन्हें सर्विस के मामलात में बे इंतहा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खुद ज़ाती तौर पे मैंने दौरा किया और सर्विस सेंटर में मालूमात हासिल की, तो उन्होंने कहा कि हम पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं और इस महीने के आखिर में आने के इम्कान हैं। अब जो सार्फिन मोबाइल सार्फिन अगर अपना एक ये ही नहीं है सर्विस सेंटर की, मैं पहले ही आपको कहानी सुना चुका हूँ कि लोग दिक्कत में, परेशानी में, सफ़र में, रुकावटें में उठा के, दिक्कत और परेशानियाँ उठा के जब सर्विस सेंटर पहुँचते हैं, एक तो उनको लंबे टाइम दिया जाता है, उसके बाद उसमें यही इत्तला है कि जनाब पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो भाई जो मॉडल आए हैं उनके पार्ट्स क्यों नहीं मंगवाए, जबकि उसूली तौर पे मिलते हैं। बहाने जो भी कुछ हों, लेकिन मोबाइल सार्फिन के साथ साथ जो डीलर्स अपने सेट और दीगर मामला जमा कराते हैं उनमें भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह दूसरा एक इदारा है, इन्हीं के साथ वो रोज़ रेट चेंज कर रहा है और परसेंटेज उसने भी गिरा दिए हैं अपने, कम कर दिए हैं, और 80,000 से ऊपर वाले सेट पे उन्होंने परसेंटेज अपने जो भी है उसमें मज़ीद कमी कर दी है। जो नॉर्मल जो परसेंटेज दिया जाता है मुनाफे का, वो उसके बावजूद स्टॉक अवेलेबल नहीं है परसेंटेज ज़्यादा देने के बावजूद, जबकि असेंबल्ड इन पाकिस्तान ये दोनों इदारे वीवो और ओप्पो दे रहे हैं ज़्यादातर रॉ मटेरियल की। उनका मौक़िफ़ ये है, रॉ मटेरियल जो है उसमें दिक्कत का सामना है, जिसके बाइस ये रुकावटें आ रही हैं, स्टॉक कम आ रहा है, तो हमारे अखराजात के मामलात भी उसको कवर करने की पोजीशन में जब होंगे जब हम आपका परसेंटेज गिराएंगे। ब्लैक डीलर हजरात भी माशाल्लाह पूरे हैं हमारे दोस्त, वो इसको महंगे दाम फरोख कर रहे हैं ताकि उस एवरेज को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कानूनन ये जुर्म है जो महंगे दाम से बेचना, उस परसेंटेज से ज़्यादा में बेचना। अब कंपनी के लोग कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, इसके मुताबिक हम तस्दीक नहीं करते, लेकिन इदारे को चाहिए वो इस मामले को सीरियस लें, मोबाइल सार्फिन के जाले के लिए जो उनकी मुश्किलात हैं काम करें, उसके साथ डीलर्स को जो परसेंटेज के मामले आते हैं उनसे भी हल करें। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें। इत्तला के मुताबिक मारूफ ऑनलाइन इदारा जो है उसने जो एक हफ्ते की पेमेंट पे स्टॉक उठाते थे और उनसे डीलर्स उठाते थे या मोबाइल सार्फिन उठाते थे, उसमें उन्होंने अदायगियों का सिस्टम बेहतर नहीं किया हुआ, जो वादे किए थे वो वादे वफा नहीं हुए और महीनों लोगों के अटक रहे हैं। उसके अलावा
उसमें पैसे काटने की भी इत्तिलात गर्दिश कर रही हैं। ये बड़ी खबर यही है कि इसमें पैसे काटे जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप ही के लोग लेते हैं और देते हैं, मार्केट में तो खरीदारी कर रहे हैं, माल वो ले रहे हैं, माल वो फरोख कर रहे हैं, उसके मामलात उनको देखने चाहिए और लोगों की पेमेंटें। इत्तला ये है कि बहुत सारे लोग 150 के करीब डीलर हैं जिनके मामलात थोड़े से 19-20 हो रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक 1-3 महीने होने के बाद किसी एक ग्रुप ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अंदिया दिया था, जिसके बाइस वो पेमेंटें क्लियर होने जा रही हैं। अब दूसरे दोस्तों की भी पेमेंट वो मारूफ इदारा जो ऑनलाइन पे काम करता है क्लियर करे, ताकि मामलात जो है वो बेसिकली तो मोबाइल सार्फिन से ज़्यादा जो माल शॉर्ट है, प्राइस पर आप कम दाम में बेच रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वाले पाकिस्तान भर में जो भी हैं ऑनलाइन से आपसे ख़रीदारी कर रहे हैं और आपसे ख़रीदारी करके माल फरोख कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है उस ऑनलाइन इदारे से, सही है जो उनके मुतालिक या गलत ख़बर है, लेकिन इस मामले को चेक करें, लोगों की अदायगी के मामलात को क्लियर करें, ताकि आपका कारोबार जो मुस्तनद चल रहा है मज़ीद उसमें तरक्की हो सके। खबरें बहुत सारी हैं, मुस्तकिल खबरें आ रही हैं, लेकिन हम इलाके की हमारे जो इदारे हैं उनकी भलाई और दोस्तों की भलाई के लिए कि इदारे बंद ना हों, उसको हम रिलीज़ आराम से करना चाहते हैं, हाथ के हाथ उनके ख़िलाफ़ नहीं चलाना चाहते। तो जाने से पहले फिर आपसे कहता हूँ कि ख़बरें अगर किसी दोस्त को हमारे कोई शिकायत है तो भेजें, जायज़ आपकी शिकायतों के अजाले के लिए हम अपना किरदार भरपूर अदा करेंगे जैसे कि कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।